अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और चीनी और गुड़ को लेकर कंफ्यूज है, यानी कि वेट लॉस करने के लिए चीनी खाएं या गुड़, क्योंकि जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि कम से कम कैलोरी खाएं, तो यहाँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़्यादा हेल्दी क्या है, चीनी या गुड़। ऑफकोर्स अगर आप गुड़ या मिश्री खाना पसंद करते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए हेल्दी है। गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, पर अगर हम बात करें वेट लॉस के, तो वेट लॉस के लिए अगर बात करें चीनी और गुड़ के, तो दोनों में इसमें कैलोरी सबसे ज़्यादा कम है। आज के वीडियो में चीनी वर्सेस गुड़, अगर आप वेट लॉस के लिए गुड़ खाते हैं तो ये अच्छी बात है, पर आपको बता दें कि चीनी या गुड़ दोनों में से कैलोरी सेम होती है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता। यानी अगर वेट लॉस के लिए आप चीनी के बजाय गुड़ खाने का सेवन कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि दोनों की कैलोरी सेम होती है। अगर दोनों के संसाधन की बात करें तो दोनों गन्ने के रस से बनते हैं, बट जहाँ चीनी बनाने में अलग अलग फॉर्मुलिन का यूज़ होता है जो हमारे बॉडी के लिए यानी कि हेल्थ के लिए खतरनाक है। साथ ही साथ आपको एक बात बता दें कि चीनी को जब बनाया जाता है, चीनी को जब संसाधित किया जाता है, तो उसमें जानवरों की हड्डी मिलाई जाती है। जी हाँ, तो इस तरह से भी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। बट गुड़ की बात करें तो गुड़ में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, इसे बनाने में किसी भी प्रकार की केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस अलग तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गुड़ वात पित्त कफ तीनों में हमें सबसे ज़्यादा फायदा देता है और हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बनाता है। बट अगर वेट लॉस की बात करें तो चीनी और गुड़ दोनों में से कुछ भी खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गुड़ को मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ माना जाता है कि गुड़ मोटापा जरूर कम करता है बट वेट लॉस नहीं करता। याद रखिए, मोटापा और वेट बढ़ने में अंतर होता है। भले गुड़ में और चीनी में कैलोरी सेम हो, बट गुड़ में आपके पोषक तत्व भरपूर होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चीनी को खाली कैलोरी भी कहा जाता है। जी हाँ, यानी कि सिर्फ कैलोरी होती है उसमें, पर कोई पोषक तत्व नहीं होते, बल्कि वो हमें नुकसान ही पहुँचाता है। वहीं गुड़ कैलोरी होने के बावजूद बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए आप अपने खान पान में गुड़ शामिल कर सकते हैं। बट अगर आप वेट लॉस के लिए ये सोच के यूज़ कर रहे हैं कि नहीं भाई इसमें गुड़ हमें कम कैलोरी होती है और हमें फ़ायदा देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी आप गुड़ खा सकते हैं।